देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए एक बहुत वाइटल टूल है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको सही तरीके से कैसे ड्रॉ किया जाता है, जहां पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो हम आज समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वॉचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वो पॉइंट जहां से मार्केट रिवर्स होता है उस पॉइंट को बोलते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमेशा करंट मार्केट प्राइस से नीचे होता है और रेजिस्टेंस हमेशा करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सभी लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन गलती जहां पे होती है वो होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में। तो अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का सही तरीका क्या है और क्या क्राइटेरिया होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड लेने का। तो देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं और इस तरीके में दिक्कत क्या है। देखिए, नॉर्मली हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे मार्केट यहां पे है, यहां से मार्केट ने नीचे गिरना शुरू किया और यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो ये हमने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे फिगर निकल कर आती है 14160, मतलब 14160 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट लेवल हो गया, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। इसी तरीके से जैसे मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया तो ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट लेवल हो गया, उसी तरीके से अगर हम ऊपर देखें तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है तो ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया और वहां से रिवर्स हुआ है तो ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, यहां से मार्केट नीचे आया है। तो इस तरह से हम नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर फिगर निकल कर आ रही है। जैसे ऊपर यहां पे देखिए, ये जैसे मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है तो यहाँ पे फिगर निकल कर आ रही है 18609, ये एक फिगर निकल कर आई, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया। उसी तरीके से नीचे है, नीचे ये फिगर निकल कर आई है 5900, उससे नीचे है 14160। तो इस तरीके से हम नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और एक फिगर निकल कर आती है जिसको हम बोलते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है या ये रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक फिगर नहीं होती है, वो एक्चुअली एक जोन होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पे देखिए, जैसे यहाँ पे मार्केट का जो लो है वो है 13614 का, मतलब ये एक मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल हो गया। तो मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे ये सपोर्ट का सिर्फ एक लेवल निकल कर आ रहा है कि मार्केट 13614 पे आएगा तो वो मार्केट के लिए एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन असल में सपोर्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, सपोर्ट एक जोन होता है, उस जोन में मार्केट कहीं भी सपोर्ट ले सकता है। तो जब भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो आप एक सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको एक जोन को सेलेक्ट करना होता है कि इस जोन में मार्केट कहीं भी सपोर्ट ले सकता है या कहीं भी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। जैसे यहाँ पे नीचे का लेवल तो ये हो गया, ऊपर का लेवल क्या होगा, ये लेवल। पिछली बार मार्केट यहां से नीचे गया था तो इसका जो हाई है उसको मैंने प्लॉट कर दिया है, तो लास्ट टाइम जहां से मार्केट रिवर्स हुआ था उसका हाई और अभी मार्केट ने जो लो लगाया है उसका लो, ये एक रेंज निकल कर आई है, ये रेंज अब मेरे लिए सपोर्ट होगी, मतलब मार्केट अगर यहां पे इस रेंज में आता है तो मैं बाई करूंगा। उसी तरह से आप ऊपर देखिए, ऊपर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मार्केट ने यहां पे हाई लगाया तो ये मार्केट का हाई हो गया। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मैंने रेजिस्टेंस को प्लॉट कर दिया, मार्केट ने हाई जहां पे लगाया है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हम एक जोन को प्लॉट करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक जोन होता है। तो यहां पे नीचे का लेवल क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इस जोन में आकर मार्केट ने कंजेशन फेस किया है। देखिए, मार्केट नीचे से ऊपर जाता जा रहा था लेकिन यहां पे आके मार्केट में वीकनेस आना शुरू होगी और मार्केट यहाँ ऊपर जाके फिर वहां से रिवर्स हुआ है। तो ये वाला जो जोन है जहां पर आके मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ को कमजोर किया है, लूज किया है, जहां पे मार्केट एक रेंज में आ गया है, देखिए ऊपर नीचे विक्स बनना शुरू हो गई हैं, तो ये जोन मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन हो गया। उसके बाद अगर मार्केट इस जोन में आता है तो मैं सेल कर दूंगा। तो इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक सिंगल लाइन के फॉर्म में प्लॉट नहीं करेंगे, हम एक रेंज को प्लॉट करेंगे क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है। तो नीचे ये वाली जो रेंज है ये सपोर्ट होगी, ऊपर की ये वाली जो रेंज है ये रेजिस्टेंस होगी, मतलब इस रेंज में कहीं भी मार्केट आता है तो मैं सेल करूंगा, इस रेंज में आता है तो मैं बाई करूंगा। और जैसे ही मार्केट इस रेंज के अंदर एंटर करता है मैं यहां पे सेल करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो ऊपर की लाइन है। और जैसे ही इस नीचे वाली लाइन को मार्केट क्रॉस करता है मैं यहां पे बाई करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो नीचे की लाइन है। तो इस तरह से आपको एक रेंज को प्लॉट करना है और रेजिस्टेंस के केस में जो ऊपर की रेंज है वो आपका स्टॉप लॉस होगी और सपोर्ट के केस में जो रेंज के नीचे की लाइन होगी वो आपका स्टॉप लॉस होगी। तो चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जहां पर मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है और वो कैसे वर्क करता है। देखिए यहां पे आप देखिए, मार्केट ऊपर से नीचे आता है और यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, तो यहां मैं सपोर्ट को ड्रॉ करूंगा। अब आप देखिए मैं सपोर्ट को कैसे ड्रॉ करता हूं,
नीचे मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया है। तो देखिए नीचे की लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है और रेंज के ऊपर की लाइन कौन सी ड्रॉ होगी, ये वाली। क्यों? क्योंकि आप पीछे देखिए ये बिग ग्रीन कैंडल है, उसके बाद की जो कैंडल्स हैं इनकी बॉडी छोटी है और विक्स बड़ी है, मतलब यहाँ पे प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। तो प्राइस यहाँ पे एक रेंज में रहा है, ऊपर जाने की कोशिश की है और रिजेक्शन मिला है और मार्केट ने ब्रेकआउट एक बिग गैप अप के साथ दिया है। ये देखिए मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था, उससे नेक्स्ट डे मार्केट में एक बड़ा गैप अप हुआ है, मतलब एक गैप अप के साथ और इस रेंज को तोड़ा है। तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है ये मेरी रेंज का ऊपर का लेवल हो जाएगा, मतलब मेरी जो सपोर्ट लेवल है वो ये रेंज हो जाएगी, ये बड़ी वाली रेंज। अब मार्केट अगर इस रेंज में आता है तो मैं बाई करूंगा, जो कि मेरा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होता है। उसके बाद आप देखिए मार्केट ऊपर तो जाता है लेकिन उसके बाद वापस इस रेंज में आ जाता है, तो देखिए मेरा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ है। जैसे इस रेंज में मार्केट एंटर करता है यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, नीचे की ये लाइन। तो देखिए मार्केट यहाँ पे आ गया है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, लेकिन मार्केट इससे वापस ऊपर जाता है और ये देखिए मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब आप देखिए ये जो रेंज है ये आपको वाइड लग रही होगी कि मेरा स्टॉप लॉस काफी बड़ा होगा, तो देखिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने जो टाइम फ्रेम लिया है वो वन डे का लिया है, आप अगर वन आवर का लेते हैं 30 मिनट्स का लेते हैं तो ये रेंज है ये बहुत छोटी होगी, आपका स्टॉप लॉस बहुत वाइड नहीं होगा। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हैं, लॉजिक सेम ही रहेगा। यहाँ पर मैं वन डे का टाइम फ्रेम लेकर आपको समझा रहा हूँ। अब इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आया है, तो यहाँ पे मैं एक रेंज आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया है तो मैंने ये लोअर साइड की जो रेंज का मेरा लोअर साइड होगी वो ये पॉइंट होगा और रेंज की अपर साइड क्या होगी, तो अपर साइड ड्रॉ करने के लिए आप पीछे देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर आया है और यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे मार्केट नीचे आया थोड़ा और इस एरिया में मार्केट को कंजेशन मिला है। देखिए ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे इस रेड कैंडल को देखिए आप, सॉरी इस ग्रीन कैंडल को आप देखिए, ये कैंडल ऊपर जाती है लेकिन मार्केट को रिजेक्शन मिलता है और वापस आता है मार्केट। उसके बाद से ये दोनों रेड कैंडल है, मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन वापस नीचे आता है। यहाँ पे मार्केट ने इस रेंज को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश की, रेंज को तोड़ा भी लेकिन फिर देखिए मार्केट में कितना जबरदस्त फॉल आता है और मार्केट नीचे जाके बंद होता है। उससे अगले दिन देखिए मार्केट में एक गैप अप होता है, मार्केट जहां ओपन होता है वहां से थोड़ा ही ऊपर जाता है और फिर मार्केट में रिजेक्शन आता है, मार्केट वापस नीचे आ जाता है। तो देखिए मतलब इस रेंज में मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है, मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। तो ये वाला जो लेवल है ये मेरी रेंज का अपर लेवल होगा, मतलब ये वाली जो रेंज है ये मेरे लिए एक सपोर्ट एक्ट करेगी। तो अब देखिए अगर मार्केट इस रेंज में आता है तो मैं बाई करूंगा। अब देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आता है और इस रेंज के अंदर एंटर करता है तो मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये लेवल, रेंज का जो अपर लेवल है इसमें एंटर करते ही मैं बाई करूंगा और रेंज का जो लोअर लेवल है ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो उसके बाद आप देखिए दोबारा से मार्केट ऊपर जाके नीचे आता है, मार्केट एक रेंज में ही है, दोबारा से रेंज में एंटर करता है। अब आप देखिए ये पूरा जोन मेरे लिए सपोर्ट जोन है, तो मार्केट क्या कर रहा है बार बार उसी जोन में आके सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहां पे मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ, उसके बाद मार्केट यहां पे आया, यहां पे सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाता है, फिर मार्केट इस रेंज में आता है सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाता है, फिर मार्केट वापस आता है और इसी जगह से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर निकल जाता है। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करता है। अगर आप एक सिंगल लाइन को ट्रेड करते हो तो आप देखिए यहाँ पे लो अलग है, यहाँ का लो अलग है, यहाँ का लो अलग है, तो जो सपोर्ट होता है वो एक सिंगल लाइन नहीं हो सकता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन होता है। इसी तरह से अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो देखिए इसी तरह से मैं आपको एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है और ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। देखिए मार्केट ने हाई बनाया है यहाँ का, ये मार्केट का हाई है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक रेंज प्लॉट करूंगा, एक जोन प्लॉट करूंगा, तो इस रेंज का जो नीचे का लेवल होगा, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को प्लॉट कर रहा हूँ तो ऊपर का लेवल तो प्लॉट करना इजी है, जहां पे मार्केट ने हाई बनाया है वो मेरे रेंज का अपर एंड होगा, लेकिन लोअर एंड कैसे प्लॉट करूंगा अब मैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पीछे देखिए मार्केट को कहाँ पे रिजेक्शन मिला है, तो पीछे देखिए मार्केट वापस ऊपर आके और यहाँ पे मार्केट को कंजेशन फेस करना पड़ा है, तो ये मेरी रेंज का लोअर एंड हो गया। तो अब ये वाला जो जोन है ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन हो गया, अगर मार्केट इसमें आता है तो मैं यहां पे सेल कर दूंगा। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और एक बिग रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है, इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर एक रेंज से बिग ग्रीन कैंडल या बिग रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो इसका मतलब है कि ये एक जेन्युइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मेरा ट्रेड इनिशिएट हो जाता है क्योंकि मार्केट वापस इस रेंज में आता है, उसके बाद मार्केट नीचे जाता है लेकिन मार्केट वापस रिवर्स होके इसी रेंज में वापस एंटर करता है। अब मेरा स्टॉप लॉस है वो इस रेंज का अपर एंड होगा, लेकिन मार्केट वहां नहीं जाता और उसके बाद मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाता है। देखिए
तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लॉट करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं हो सकती, आपको हमेशा एक जोन को प्लॉट करना है। ऐसे ही मैं आपको और दिखाता हूं। देखिए ये बड़ी कैंडल बनी है यहां पे, तो ये देखिए इस कैंडल का हाई जो है ये रेंज का अपर एंड हो गया, और लोअर एंड क्या होगा, देखिए कैंडल का लो है और पीछे हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने कंजेशन भी फेस किया है। तो देखिए ये इस रेंज का लोअर एंड हो गया, मतलब मार्केट ऊपर गया है, पहले भी यहाँ पे कंजेशन मिला है, उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर गया है, लेकिन स्ट्रेंथ देखिए कम होगी, मार्केट गैप अप के साथ यहाँ पे गया है, उसके बाद विक्स बनना शुरू हो गई है, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है और मार्केट स्ट्रेंथ के साथ नीचे आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बड़ा कैंडल बनता है चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, तो इसका मतलब है कि एक बहुत जेन्युइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे देखिए एक बिग रेड कैंडल बना है, तो मैं क्या करूंगा इस रेंज में अगर मार्केट आता है तो सेल करूंगा, और ये जो ऊपर का लेवल है ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा ट्रेड इनिशिएट हो गया है, यहाँ पे मैंने सेल कर दिया है। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे जाता है लेकिन उतनी तेजी से वापस ऊपर भी आ रहा है, और उसके बाद देखिए फिर से इस रेंज में एंटर करता है और यहाँ पे वापस नीचे जाता है। लेकिन अब आप एक चीज देखिए, आपने यहाँ पे एंटर किया उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, मान लीजिए आपने यहाँ का ही प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे री एंटर भी कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है तो यहाँ आप री एंटर भी कर सकते हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उनको आप रीयूज भी कर सकते हैं, क्योंकि जब एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस यूज हो चुका होता है तो उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। तो किस केस में हमको दोबारा से उसको ट्रेड करना है या कब हमको नहीं करना है, ये मैं आपको और किसी वीडियो में बताऊंगा। इसी तरह से मैं आपको और दिखाता हूं। यहां पे देखिए ये मार्केट ने हाई बनाया है, ये देखिए मार्केट यहां से ऊपर आया है, तो ये जो ऊपर का लेवल है जहां पे मार्केट ने हाई बनाया है ये रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन क्योंकि ये एक जोन है तो ये जोन का सिर्फ अपर एंड है, लोअर एंड हमें प्लॉट करना है। तो अपर एंड तो जहां पे मार्केट ने हाई बनाया है वो हो गया, अब लोअर एंड क्या होगा, लोअर एंड देखिए पीछे आप मार्केट में जाइए, यहां पे मार्केट ने कंजेशन फेस किया था, तो यहाँ पे इस रेंज का लोअर एंड होगा। अब देखिए ये रेंज काफी वाइड है, क्योंकि पिछली बार जहां पे मार्केट को कंजेशन मिला था वो काफी नीचे था, उसके बाद मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ आई थी और यहां से मार्केट में उतनी तेजी से गिरावट भी आई है। और इस रेंज को नीचे प्लॉट करने का एक रीजन और है, ये कैंडल देखिए आप, बिग रेड कैंडल, आपको बड़ी रेड और ग्रीन कैंडल्स को देखना है, जहां पे आपको बिग रेड और ग्रीन कैंडल दिखती है वहीं पे आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि वो ब्रेकआउट एक जेन्युइन ब्रेकआउट होगा। तो जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो आप हमेशा याद रखिए कि एक बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे ये लोअर एंड हो गया इस रेंज का और ये अपर एंड, तो ये जोन रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पे मार्केट में लोअर साइड ब्रेकआउट हुआ है। अब अगर मार्केट वापस इसमें एंटर करता है तो मैं सेल करूंगा, ऊपर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। अभी रेंज काफी वाइड है, जो स्टॉप लॉस है वो काफी दूर होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मैं यहाँ वन डे का टाइम फ्रेम ले रहा हूं, अगर आप 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं तो आपका ये स्टॉप लॉस इतना वाइड नहीं होगा, आपकी रेंज कम होगी, और लॉजिक हर जगह सेम ही होता है, इसलिए मैं वन डे के टाइम फ्रेम के साथ समझा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे मेरा ट्रेड इनिशिएट हो गया है, इसके बाद देखिए तो देखिए मार्केट वापस इस रेंज में आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, और उसके बाद आप देखिए यहाँ का आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे, क्योंकि जो आपका स्टॉप लॉस है जो ये रेंज है उसका 1:1 या 1:1.5 आपका टारगेट होगा, जो कि यहाँ कहीं हो जाएगा, और यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। उसके बाद मार्केट और नीचे जाता है, अब देखिए मार्केट ने वापस जाना शुरू कर दिया है। अब आप एक चीज देखिए, मार्केट वापस ऊपर गया है। अब आप देखिए ये जो जोन है ये क्या है, रेजिस्टेंस का जोन। पिछली बार जब मार्केट यहाँ पे आया था तो मैंने सेल किया था, तो मार्केट फिर से इसी रेंज में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा इस रेंज में जब मार्केट एंटर करता है तो मैं फिर से सेल कर सकता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल किया है इस कैंडल पे, जैसे मार्केट ने इस रेंज में एंटर किया मैंने फिर से सेल कर दिया, तो देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन देखिए इसी रेंज से और मार्केट वापस नीचे आता है, मैं छोटा करके आपको दिखाता हूं, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए ये मैंने रेंज प्लॉट की थी, ये रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ही मार्केट ने यहां से इस रेंज को तोड़ा और वापस इस रेंज में एंटर हुआ, इस स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहां पे सेल कर दिया। अब मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद देखिए मार्केट ने लो लगाया है, ये जो मेरा स्टॉप लॉस है उसका डबल ऑलमोस्ट मार्केट नीचे गया है, तो यहां मैं कहीं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और उसके बाद आप देखिए मार्केट दोबारा से इस रेंज में एंटर होता है, अगर आप दोबारा से सेल करते हो क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट फिर से काफी नीचे गया है, देखिए ये लो लगाया मार्केट ने। तो ये जो
रेजिस्टेंस लेवल है, ये कोई एक लेवल नहीं होना चाहिए। अब देखिए पिछली बार मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, उससे पिछली बार मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो आप कोई पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ये हमेशा एक रेंज होगी। और लोग आमतौर पर यही गलती करते हैं कि जब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो वो एक सिंगल लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो आपको हमेशा रेंज को ड्रॉ करना है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक सिंगल लाइन नहीं हो सकती, वो एक जोन होता है। तो आपको एक रेंज प्लॉट करनी है, एक जोन प्लॉट करना है, और जब मार्केट उसमें आता है तब आपको बाय या सेल करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। ऐसे अगर मैं आपको रिसेंटली का दिखाऊं, जैसे रशिया और यूक्रेन की वजह से मार्केट काफी गिर चुका है, तो अब मार्केट कहां सपोर्ट ले सकता है? मान लीजिए आपको अब सपोर्ट ड्रॉ करना है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए मार्केट ने लो बनाया है, ये मार्केट का लो है 15700 के आसपास। तो अब मैं एक रेंज को ड्रॉ करूंगा, क्योंकि सपोर्ट जो है वो एक जोन होगा, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होगा। तो अब हम रेंज का अपर एंड कैसे ड्रॉ करेंगे, हम पीछे जाएंगे और देखेंगे मार्केट के लिए पहले सपोर्ट कहां रहा है। तो देखिए ये मार्केट ने लो लगाया है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो सपोर्ट का लोअर बैंड है वो ये है। अब हमें अपर बैंड ड्रॉ करना है, तो हम पीछे जाके देखेंगे। देखिए मार्केट ने यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया है जून से अगस्त तक, और यहीं से मार्केट ने सपोर्ट भी बनाया है। हाल ही में ये जो फॉल आया है, जो रशिया यूक्रेन की वजह से मार्केट में फॉल आया, उसमें जो लो बनाया है वो सेम एग्जैक्ट इसी लेवल का लो बनाया है। तो अब देखिए यहाँ पे मार्केट को ब्रेकआउट इस बड़े कैंडल पे मिला है। देखिए जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि अगर ब्रेकआउट एक बड़े ग्रीन या रेड कैंडल के साथ होता है तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, मतलब ये एक रेंज थी जिसमें मार्केट काफी लंबे टाइम तक रहा था। तो अभी जो मैं सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ उसका लो जो अभी मार्केट ने लगाया वहां पे ड्रॉ किया है, और रेंज के ऊपर का बैंड मैंने कैसे ड्रॉ किया है, मैं पीछे गया और मार्केट में देखा कि पहले सपोर्ट कहाँ पे लिया है। तो ये जोन निकल कर आता है जिसमें मार्केट ने काफी लंबा टाइम स्पेंड किया था और एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, दैट मीन्स इसकी रिलायबिलिटी अच्छी खासी है। सो अभी जो रेंज निकल कर आती है वो क्या होगी, 15700 से 15900, मतलब 200-250 पॉइंट की रेंज निकल कर आती है, ये सपोर्ट है मार्केट के लिए। अब अगर मार्केट दोबारा गिरता है तो ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, मैं 16000 के आसपास बाई कर सकता हूँ 15700 के स्टॉप लॉस के साथ। देखिए लेकिन क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है हम बॉटम फिशिंग नहीं कर सकते, हालांकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, लेकिन इसके ऊपर अगर मुझे सपोर्ट ड्रॉ करना हो तो मैं कैसे करूंगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए पिछली बार मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया है वो देखिए, यहां से मार्केट में फॉल आया था और इस रेंज में मार्केट ने सपोर्ट लेकर और दोबारा से ऊपर गया है, और उसके बाद मार्केट दोबारा वापस गिरता है तो इसी रेंज में आके और सपोर्ट लेता है, हालांकि उस सपोर्ट को फिर तोड़ के और मार्केट नीचे चला जाता है। तो पिछली बार जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था वो जोन क्या हो गया, लोअर बैंड उसका ये है, और अपर बैंड क्या होगा इसका, ये लेवल। ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ तो मार्केट ने लो बनाया था उसके बाद ऊपर गया था, ये अपर बैंड मैंने कैसे ड्रॉ किया, यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया था तो लोअर बैंड तो ये हो गया, और अपर बैंड में ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मार्केट ऊपर से गिरता हुआ नीचे आता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट बॉटम बना के और वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट दोबारा तेजी से गिरता है और इसी लेवल पे आके मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करता है, और तीसरी बार जब मार्केट आता है तो यहाँ पे लो बना के और फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मार्केट ने दो तीन बार संभलने की कोशिश की है, तो ये मेरी रेंज का अपर बैंड होगा। तो ये मेरा दूसरा सपोर्ट लेवल हो गया। देखिए पहला सपोर्ट लेवल मैंने जो ड्रॉ किया था वो ये है, जहां पे रिसेंटली निफ्टी ने लो बनाया है, तो उसका सपोर्ट लेवल ये है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगा। लेकिन ये दूसरा सपोर्ट लेवल है, मतलब निफ्टी अगर 16900 को तोड़ती है तो मैं बाई करना कंसिडर कर सकता हूँ। जब मार्केट इस तरह से वोलेटाइल होते हैं तो हम स्टैगर्ड वे में बाई करेंगे। अगर मार्केट अब 16900 के नीचे आता है तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा, और अगर मार्केट उसको तोड़कर और नीचे जाता है तो ये वाला जो सपोर्ट लेवल है मैं यहाँ पे बाई करूंगा। मतलब इनिशियली मैंने ये सपोर्ट ड्रॉ किया था और उसके ऊपर मैंने एक और सपोर्ट आपको ड्रॉ करके दिखाया है कि जरूरी नहीं कि निफ्टी इस लेवल में जाए, तो आप कहाँ पे बाई कर सकते हो उसके लिए जो सपोर्ट लेवल है दूसरा वो ये होगा, और ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हम स्टैगर्ड वे में बाई करेंगे। जब निफ्टी इस जोन में आता है तो हम थोड़ा बाई करेंगे, और अगर निफ्टी उससे नीचे और गिरता है तो ये जोन है जहां पर हमें करना चाहिए। तो ये होता है सही तरीका सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। देखिए कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको सिंगल लाइन में ड्रॉ नहीं करना है, ज्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंगल लाइन नहीं होता है, ये एक जोन होता है, एक रेंज होती है। तो जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो तो आपको हमेशा एक रेंज को ड्रॉ करना है जिसमें ऊपर और नीचे दो बैंड होंगे, और अगर मार्केट उस रेंज में आता है तो आप वहां पे बाय या सेल करोगे। अगर आप सपोर्ट लेवल पे बाय कर रहे हो तो जब आपकी अपर रेंज में मार्केट एंटर करेगा वहां पे आप बाय करोगे, और जो
लोअर रेंज है वो आपका स्टॉप लॉस होगी। और अगर मार्केट रेजिस्टेंस जोन में आता है तो जो आपने रेंज ड्रॉ की है उसका लोअर बैंड है, जब वो क्रॉस होगा तो आप सेल करोगे और जो अपर बैंड है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपको हमेशा दो पॉइंट्स को याद रखना जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो। पहला पॉइंट ये है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो एक रेंज होती है, वो कोई पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट नहीं होता है, एक सिंगल लाइन नहीं होती है, तो वो एक रेंज होती है, आपको हमेशा एक रेंज को ड्रॉ करना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो एक बड़े रेड कैंडल या बड़े ग्रीन कैंडल के साथ हो रहा हो, क्योंकि अगर किसी भी रेंज में से ब्रेकआउट बड़े रेड या बड़े ग्रीन कैंडल के साथ होता है तो इसका मतलब ये है कि उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और आपके ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा एक रेंज ड्रॉ करनी है और फिर देखना है कि उस रेंज में से ब्रेकआउट एक बड़े रेड या बड़े ग्रीन कैंडल के साथ हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।